बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में निको बॉबिनर्स की वर्ब बुक एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ टेक आउट योर न्यू ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश वर्ब बुक 6 एंड ओपन पेज नंबर 6। सो हेयर कम्स पेज नंबर 6 ऑफ आवर वर्ब बुक। आइए देखते हैं इस पेज पे हमें क्या एक्सरसाइज दी गई है। आज चैप्टर नेम इज निको बॉबिनर्स। एक्सरसाइज ए, कन्वर्टिंग इनटू स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस कमांड्स। एंड इस सवाल में ये कहा गया है कि नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ए टू एच, इन जुमलों को हमने स्टेटमेंट में तब्दील करना है। स्टेटमेंट से मुराद ये होता है एक सादा जुमला, या ज़रूरत के मुताबिक क्वेश्चंस बनाने हैं उसके, या फिर उसे कमांड्स यानी हुक्मिया जुमलों में चेंज करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। कन्वर्ट द एक्सक्लेमेशंस इनटू स्टेटमेंट्स और कमांड्स बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स एंड एडिंग और ओमिटिंग एनी वर्ड्स यू विश। एक हिदायत भी दी गई है यहाँ पे, डू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। इसके अंदर बच्चों ये कह रहे हैं कि नीचे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिए गए हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसके आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं बच्चों जिसके अंदर हम जब कोई चीज़ देख के, किसी शख्स को देख के, कोई हसीन नज़ारा देख के, या कोई भी मामला देख कर हैरत का इजहार करते हैं। मिसाल के तौर पे ये एग्जांपल यहाँ दी हुई है, सो गौर से सुनिएगा। व्हाट अ हैंडसम मैन, यानी जब हम किसी हैंडसम आदमी को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, क्या हैंडसम आदमी है। तो यहीं पे उन्होंने हमें एग्जांपल में समझाया है कि देखिए इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, क्या हैंडसम आदमी है। अब वो कहते हैं कि हमने करना क्या है इस जुमले के अंदर चेंज करते वक्त, जैसा इन्होंने यहाँ बताया कि स्टेटमेंट कमांड या एक्सक्लेमेशन को हमने स्टेटमेंट कमांड में चेंज करना है। अच्छा, इसके लिए वो हमें एक ऑप्शन दे रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कि हमें वर्ड्स को चेंज करना है, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, वर्ड को आगे पीछे कर सकते हैं इसका मतलब है, और हम चाहें तो जुमले की मुनासबत से चाहे उसे स्टेटमेंट में चेंज कर रहे हों या कमांड में, हम क्या कर सकते हैं, कोई लफ्ज़ ऐड भी कर सकते हैं और ओमिट, कोई लफ्ज़ कम यानी घटा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो इसका एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, व्हाट अ हैंडसम मैन। अब इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक स्टेटमेंट में, ही सर्टेनली इज़ अ हैंडसम मैन, वो यकीनन एक बहुत हैंडसम आदमी है। यकीनन आप समझ गए होंगे कि मीनिंग वही रहे, लेकिन जुमला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से स्टेटमेंट में आ गया। इसी तरह ए से लेके एच तक ये तमाम जुमले दिए गए हैं, मैं 3 सेंटेंसेस आपके लिए पढ़ रहा हूँ और समझा रहा हूँ, और बाकी तमाम जुमले आप दिए गए तरीके के मुताबिक लिखेंगे। व्हाट अ नॉइजेंस, इसे हम किस तरह चेंज करेंगे, इट इज़ अ ग्रेट नॉइजेंस। बी, हाउ स्ट्रेंज टू सी यू हेयर, इट इज़ स्ट्रेंज टू सी यू हेयर। सी, व्हाट वंडरफुल वेदर वी आर हैविंग, इसे आप चेंज करेंगे, वी आर हैविंग सच वंडरफुल वेदर। यहाँ आपने एक ख़ास बात नोटिस की होगी कि सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं जिसमें हैरत तो इस्तेजाब का इजहार किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक इंशाल्लाह आप लोग अपनी वर्ब बुक में इसको लिख लेंगे। हेयर कम्स पेज नंबर 7। आइए देखते हैं पेज नंबर 7 पे क्या एक्सरसाइज हमें दी गई है। पेज नंबर 7 पे हमारी एक्सरसाइज बी है, जो कि है डिक्शनरी वर्ड, यानी इसके अंदर हमें डिक्शनरी की मदद से ये काम करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहली बात उन्होंने क्या की कि नीचे जो ये वर्ड दिए गए हैं आप देख सकते हैं, इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यानी ABCD ऑर्डर में हमने लिखना है, इन्हें अरेंज करना है। अच्छा, अरेंज कैसे करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बच्चों, कि हम फर्स्ट वर्ड से चलते हैं, यहाँ यू है, ये एस है, ये बी है, पहला वर्ड सी है, पहला वर्ड यहाँ भी सी है, पहला वर्ड यहाँ आर है, तो पहले वर्ड की मुनासबत से हम इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करेंगे, जो मैं अभी आपको ये पूरा सवाल पढ़ने के बाद बताने जा रहा हूँ। और फिर वो कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करने के बाद राइट अ डेफिनेशन फॉर ईच, और फिर उन सब की वर्ड्स की डेफिनेशन भी लिखनी है।
तो हमारा पहला वर्ड है अंडरग्रोथ, सेकंड है समर, थर्ड है बोल्ड, फोर्थ है कम्प्लीटली, फिफ्थ है कॉमरेड एंड सिक्स है रिमाइंड ए। तो यहाँ हम इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर चुके हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, आपको भी इसी तरतीब से काम करना है। पहला वर्ड है बोल्ड, इसकी मीनिंग क्या है, कॉन्फिडेंट एंड करेजियस। और सेकंड वर्ड इज़ कम्प्लीटली, इसका मतलब है टोटली और अटरली। और सी थर्ड वर्ड है कॉमरेड, अ कुलीग और अ फेलो मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डी रिमाइंड, कॉज समवन टू रिमेंबर समवन और समथिंग। ई समर, द वार्मेस्ट सीजन ऑफ द एयर। एफ अंडरग्रोथ, अ डेंस ग्रोथ ऑफ श्रब्स एंड अदर प्लांट्स। इस एक्सरसाइज के बाद यानी एक्सरसाइज बी के बाद इस पेज पे एक्सरसाइज सी भी दी गई है, ये एक्सरसाइज हम सॉल्व नहीं करेंगे, लिहाजा आप भी अपनी बुक में वह बुक में क्रॉस कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि पेज नंबर 7 की भी एक्सरसाइज आप सब लोगों के अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। नाउ हियर कम्स पेज नंबर 8, आइए देखते हैं पेज नंबर 8 पे क्या एक्सरसाइज दी गई है। पेज नंबर 8 पर हम एक्सरसाइज डी डील करने जा रहे हैं, यह है ईडियम्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊं बच्चों ईडियम्स क्या होते हैं। ईडियम्स को उर्दू में मुहावरे कहते हैं, जिस तरह उर्दू में मुहावरे होते हैं इसी तरह इंग्लिश में भी मुहावरे होते हैं और उन्हें ईडियम्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग टू फॉर्म सम वेल नोन ईडियम्स, यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इन जुमलों को जो यहाँ पे ए और बी में कुछ ईडियम्स दिए गए हैं वो ईडियम्स स्प्लिट करके दिए गए हैं, ए में हाफ पार्ट लिखा और बी में हाफ पार्ट। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट ए पार्ट को इसके एप्रोप्रिएट पार्ट बी से मिला के पूरा सेंस क्रिएट करेंगे ताकि ये एक ईडियम बन जाए। और फिर ये करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं ए टू ई, हम इन ईडियम्स को अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे। तो ए में है ए फॉर बेटर, ये किससे मैच हो जाएगा, बी के थर्ड से। अब फॉर बेटर और फॉर वर्स, बी ब्लैक, ब्लैक बी के 5 से मैच होगा, ब्लैक एंड ब्लू। सी कट, कट जो है बी के 1 से मैच होगा, कट एंड ड्राइड। इसी तरह डी है डेड, डेड जो है बी के 4 से मैच होगा, डेड एंड गॉन। और ई जो है वो बाय फेयर मींस बी के 2 से मैच होगा, बाय फेयर मींस और फाउल। ईडियम्स को मैच करने के बाद अब हम इन ईडियम्स को अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं ए से लेके ई तक इन तमाम ईडियम्स को यहाँ लिखने के बाद आप देख सकते हैं फॉर बेटर और फॉर वर्स, बी में ब्लैक एंड ब्लू, सी में कट एंड ड्राई, डी में डेड एंड गॉन और ई में बाय फेयर मींस और फाउल। इन सब को जुमलों में इस्तेमाल किया गया है। मैं आपके लिए 2 जुमले पढ़ रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि इनका इस्तेमाल किस तरह किया गया है। वी मेड अ फ्रेंडशिप फॉर बेटर और फॉर वर्स। इसी तरह बी है ब्लैक एंड ब्लू, आई एम प्रोबेबली गोइंग टू बी ब्लैक एंड ब्लू आफ्टर फॉलिंग डाउन द स्टेप्स दिस मॉर्निंग। तो बच्चों बताए गए तरीके के मुताबिक आपने इस एक्सरसाइज डी ईडियम्स को भी यहाँ मैच करना है पहले, और फिर इनको इन तमाम ईडियम्स को आपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। नाउ हियर कम्स पेज नंबर 9। तो बच्चों अब हम देखते हैं पेज नंबर 9 पर एक्सरसाइज ई दी गई है, एक्सरसाइज ई। और ये एक्सरसाइज ई क्या है, वर्ड फैमिलीज, यानी नीचे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं एक ही फैमिली से रिलेटेड हैं, ठीक है, यानी अगर मखसूस लफ्ज लिखे हुए हों एक साथ तो वर्ड फैमिलीज कहलाती है। ये आपको जब समझ में आएगा जब हम इस एक्सरसाइज को करना शुरू करेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ, क्रॉस आउट द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग इन ईच ग्रुप। क्या मतलब हुआ इसका, कि नीचे कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं वर्ड फैमिलीज के, उसमें से जो वर्ड मिसफिट है, जो बिलोंग नहीं करता, ताल्लुक नहीं रखता इस वर्ड फैमिली से, उसको हमने क्रॉस कर देना है। कैन यू नेम द ग्रुप्स, और दूसरी बात उन्होंने पूछी कि उसको आप क्रॉस करने के बाद ये भी बताइए कि वो ग्रुप कौन सा है।
तो यहाँ एग्जाम्पल दी गई है, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल है रोज़ डेजी, क्या है ये फ्लावर फैमिली होती है। अब आप गौर से सुनिएगा मेरी बात को। ए फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, अरबिक, हॉलैंड, इंग्लिश, ये तमाम ज़बानों के नाम लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं बच्चों? ज़बानों के, लैंग्वेजेस के नाम। इसके अंदर क्रॉस क्या होगा? हॉलैंड। हॉलैंड इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री। तो यहाँ जो क्रॉस होगा आपने क्या करना है कि हॉलैंड को यहाँ क्रॉस करना है, इस जगह पे आप क्रॉस कर देंगे हॉलैंड को, और नीचे हॉलैंड लिख के उसके आगे लैंग्वेजेस लिख देंगे। बी सिल्वर, गोल्ड, लेड, ब्रॉन्ज, टीक, कॉपर। अच्छा, अब ये भी एक मेटल की फैमिली लिखी हुई है, तो आप क्या करेंगे? टीक जो होता है बच्चों, आप जानते हैं कि लकड़ी होती है, एक दरख्त की लकड़ी को कहते हैं, तो डेफिनेटली ये मेटल्स लिखे हुए हैं, लकड़ी जो है मेटल नहीं है। तो इसी तरह आप टीक लिखेंगे, यहाँ यहाँ इसको पहले क्रॉस करेंगे, उसके बाद यहाँ टीक लिखने के बाद इस फैमिली का नाम लिख देंगे कि ऊपर जो वर्ड जिक्र किए गए हैं ये तमाम वर्ड्स ये कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं? मेटल से। इसी तरह सी डी ई एफ जी एच आप सॉल्व करेंगे बताए गए, यानी जिस तरीके से लिखे गए हैं उसी तरीके से। आइए इसके बाद अब हम एक्सरसाइज ई के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपेयर योर आंसर विद अ क्लासमेट, गिव रीजंस फॉर योर चॉइस ऑफ वर्ड, कैन यू मेक अप सिमिलर वर्ड फैमिली पजल्स। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है बेटे, ये इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, तो इसको हमने क्या करना है, ये क्लास एक्टिविटी है। जब इंशाल्लाह ताला क्लास हमारा क्लासेस दोबारा रिज्यूम होंगी, लॉकडाउन लिफ्ट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला हम इस क्वेश्चन को क्लास एक्टिविटी में करेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं एफ की तरफ। हमारी एक्सरसाइज एफ है आर्टिकल्स। हम जानते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एन और द आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है बेटा, और इनको इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है कि इंग्लिश ज़बान में जो वॉवल्स होते हैं, हमारा कोई भी वर्ड अगर वॉवल्स ए ई आई ओ यू से शुरू होगा तो उससे पहले हम ए एन दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। अब ए एन दा का जो इस्तेमाल करते हैं हम, उसकी एक कंडीशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे इन तीनों में से हमें एक एन को इस्तेमाल करना होता है, कहाँ? जहाँ पे हमारा वर्ड ए ई आई ओ यू से शुरू होता है, ए की कंडीशन अलग होती है और दा का यूज़ अलग होता है। आइए इस एक्सरसाइज में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स वेयर नेसेसरी विद ए एन दा और सम। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं, वहाँ पे जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे, ए की मदद से, एन लिखकर, दा इस्तेमाल करके, या फिर सम के इस्तेमाल के साथ। तो मैं यहाँ इस पेज पे दी गई इस एक्सरसाइज को पढ़ने जा रहा हूँ, और से सुनिएगा। इन द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज यू कैन सी निको बॉबिनस इन अ शेड इन एन ऑर्चर्ड, पुअर बॉय ही हैज स्टक नाउ एंड नीड्स टू फाइंड अ वे टू एस्केप फ्रॉम द शेड, ही हैज डर्ट ऑन हिज क्लोथ्स फ्रॉम। अब ये जो ब्लैंक आई है बेटे, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल या सम इस्तेमाल नहीं होगा, जहाँ पे कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ दिए गए वर्ड्स में से, तो आप यहाँ क्रॉस कर देंगे। तो क्या है? फ्रॉम क्लाइंबिंग ओवर अ वॉल एंड फ्रॉम बम्पिंग इन टू अ ट्री ही इज। अब हम चलते हैं पेज नंबर 10 पे। तो बच्चों ये रहा हमारा पेज नंबर 10। अब हम पिछले पेज पे दी गई, यानी पेज नंबर 9 पे दी गई एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। हेयर बिकॉज ही इज हाइडिंग फ्रॉम, यहाँ आप ए या द दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैन आउटसाइड, द मैन इज वेरी एंग्री विद हिम बिकॉज निको बॉबिनस वॉज गोइंग टू टेक सम एप्पल्स फ्रॉम द ऑर्चर्ड, द मैन इज थ्रेटनिंग टू ब्रेक डाउन द डोर। तो बच्चों जिस तरह मैंने यहाँ शुरू से लेके यहाँ तक ये एक्सरसाइज पढ़ के आपको सुनाई, और इसके अंदर आपने देखा कि जहाँ जहाँ ए एन द और सम की ज़रूरत थी ये वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, इसी तरह अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप
दी इस आपकी स्क्रीन पर नज़र आने वाली एक्सरसाइज को इन चारों वर्ड्स की मदद से फिल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में ये एक्सरसाइज अच्छे से आ गई होगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये क्रॉस कर दीजिएगा। ओके बच्चों, ये एक्सरसाइज नहीं की जाएगी।